नमो नारायण मित्रों, मैं राहुल ईश्वर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाग्य मंथन में। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का जो विषय होने वाला है वो है मकर राशि जुलाई का राशिफल 2021 का। इसमें हम सर्वप्रथम बात करेंगे जो राशि परिवर्तन होने वाले हैं जुलाई के महीने में और उन परिवर्तनों से क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन के किन किन हिस्सों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के रूप में जैसे आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जो सुख की स्थिति है आपकी, और व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, जीवन साथी, प्रेम संबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अंत में चर्चा करेंगे सभी चीजों का कंक्लूजन निकाल करके कि क्या ज्योतिषीय उपचार करें, सरल से क्या ज्योतिषीय उपचार करें समय निकालकर, जिनसे कि हमें नकारात्मक जो प्रभाव पड़ने वाला है नकारात्मक गोचरों का, उससे कैसे बचाव हम कर पाए। तो चलिए ज्यादा समय यहां पर नष्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम यहां पर हम कुंडली खोल लेते हैं हमारे जुलाई महीने की मकर राशि की। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं यह मकर राशि की कुंडली है। इस महीने सर्वप्रथम जो गोचर होने वाला है वो गोचर होने वाला है बुध ग्रह का 7 तारीख को 11 बजे के आसपास। बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली में 7 तारीख तक बैठे रहेंगे पंचम स्थान पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं राहु के साथ, और 7 तारीख के बाद 11 बजे के पश्चात ये निकलकर चले जाएंगे आपके कष्ट भाव में, मिथुन राशि में, जो कि उनकी स्वराशि है, यहां पर आपके वो चले जाएंगे। यहां पर उनको पहले से ही वेलकम करने के लिए सूर्य ग्रह विराजमान है मिथुन राशि में, मित्र की राशि में, और यहां पर बन जाएगा बुध आदित्य योग। अच्छी स्थिति मेरे हिसाब से, सूर्य की 6ठे स्थान में पराक्रम भाव में स्थिति बहुत ही सुंदर है। लड़कर वापसी करने वाले हैं इस महीने आप, आपको पहले ही मैं बता दूं। तो ये बुध का होने वाला है गोचर 25 तारीख तक, फिर बुध जो अपनी स्वराशि में बैठे रहेंगे सूर्य के साथ, और 25 तारीख को फिर से गोचर करके चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सूर्य की। सूर्य महीने के प्रारंभ से ही, जैसे ही आपका जुलाई का महीना प्रारंभ होगा, तो मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, 16 तारीख तक वहीं रहेंगे, 16 तारीख के बाद गोचर करके आपके चले जाएंगे ये सप्तम भाव में, जो कि जीवन साथी से संबंधित भाव है, और महीने के अंत तक यहीं रहने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे हम मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह वर्तमान स्थिति में आपकी कर्क राशि में विराजमान है, जो कि आपकी नीच प्रभाव देने वाली राशि मानी जाती है। आपकी जन्म कुंडली में ये सप्तम भाव है जीवन साथी का। यहां पर 20 तारीख तक मंगल विद्यमान रहेंगे नीच राशि में, 20 तारीख के पश्चात मंगल यहां से निकल करके चले जाएंगे अष्टम भाव में, मित्र राशि सिंह में, जिसके अधिपति अधिपति देवता सूर्य है। मंगल यहां से जब अपना गोचर कर लेंगे, राशि परिवर्तन कर लेंगे, चलिए यहां पर जब खत्म हो जाएगा तो हम बात करते हैं उसके पश्चात शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में देखिए कर्क राशि में विद्यमान है 17 तारीख तक, महीने की शुरुआत से ही। 17 तारीख के बाद यहां से निकल कर ये भी चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में सिंह राशि में, और 17 तारीख के बाद जाकर ये महीने के अंत तक यहीं बने रहने वाले हैं। बात करेंगे बृहस्पति की, जो कि कुंभ राशि में वक्री अवस्था में विद्यमान है। आपकी जन्म कुंडली में यह है कुटुंब स्थान है, धन धन भाव है, तो यहां पर वक्री अवस्था में बृहस्पति विराजमान रहेंगे। शनि आपकी राशि के बिल्कुल ऊपर बैठे हुए हैं वक्री अवस्था में, और अभी लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो काफी प्रभाव बना रहे हैं आपके ऊपर। यहां पर शनि बैठकर 7.5 भी लगाए हुए हैं। इसके बाद करेंगे बात राहु की। राहु आपके पंचम स्थान बुद्धि विद्या आपकी, देखा जाए तो शिक्षा प्रेम सभी को प्रभावित करता है, तो यहां पर राहु विराजमान है लंबे समय के लिए अभी, और इस महीने भी यह वृषभ राशि में ही रहने वालेंगे। और केतु की स्थिति देखें तो, माफ कीजिएगा, केतु की प्लेसमेंट यहां धनु में दिखा रहा है लेकिन यह वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक राशि में आपके केतु ग्रह प्रभाव देंगे लाभ स्थान में। इन्हीं सब ग्रह गोचरों को ध्यान में रखते हुए, राशि परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, हमने इस माह का आपका जो राशिफल है वो तैयार किया है, और इसी कारण से आपको प्रभाव मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्रमबद्ध तरीके से कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना मकर राशि वालों के लिए। तो देखिए सर्वप्रथम बात करेंगे आर्थिक स्थिति की, क्योंकि किसी भी जीवन को चलाने के लिए, किसी भी परिवार को चलाने के लिए हमें धन, हमें आर्थिक स्थिति को देखना पड़ता है। तो धन संबंधी दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेहनत वाला महीना है, और यह मैं बता रहा हूं आपको, बहुत कड़ी मेहनत आप कर रहे हैं,
और इस महीने में आप पिछले जो करीबन 10-12 महीने से आप परेशान हैं चीजों को लेकर के, बहुत ज्यादा धन की स्थिति को लेकर जुगाड़ तगाड़ में लगे पड़े हैं, बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं चीजों को, वो चीजों में आप कम बैक करने वाले हैं, एक संतुलन बनाने में आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं इस माह से, संतुलन स्थापित करने में आप सफल होने वाले हैं और आपको आगे आने वाले महीनों में किस प्रकार से संतुलित कर करके अपने जीवन को चलाना है इस 7.5 के दौर में, यह आप सीखते नजर आ रहे हैं मुझे, और यहां पर इसका आपको प्रभाव भी मिलेगा। धन के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो शुभ है, धन की स्थिति अच्छी है इस माह में, सौभाग्यशाली साबित होंगे धन के दृष्टिकोण से। बुध ग्रह इसमें बहुत बड़े कारक सिद्ध होते मुझे नजर आ रहे हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और कहीं ना कहीं शत्रु को पराजित करने में और आर्थिक दृष्टिकोण से जो नीति बनाने में आप सक्षम नहीं हो रहे थे अभी तक, वहां पर बुध आपको वो नीति रणनीति सब प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए इस माह के लिए आर्थिक रूप से सफलता पाने के लिए मैं आपको पहले से ही धन्यवाद और शुभकामनाएं दे दूं कि आप अपनी समस्याओं से निकलते मुझे दिख रहे हैं। तो यह एक अच्छा महीना साबित होगा आने वाले महीनों के लिए, यहां से आप शुरुआत करेंगे और इसका फल आने वाले महीनों में आपको धीरे धीरे दिखता प्रतीत होगा, दिखेगा आपको, ठीक है। तो आर्थिक दृष्टिकोण को छोड़ करके अब हम चलते हैं, देखते हैं स्थिति पारिवारिक सुखों की। पारिवारिक सुख का स्वामी देखा जाए तो कुटुंब भाव से देखेंगे, फिर सुख भाव से भी इसको संबंधित करेंगे। तो कुटुंब भाव में तो देखिए बृहस्पति विराजमान है, बहुत ही सुंदर स्थिति, कहीं ना कहीं परिवार से, बच्चों से, फैमिली से आपको सपोर्ट मिलता दिख रहा है धन के रूप में, इमोशनली भी आपको यहाँ पर वो सपोर्ट कर रहे हैं, माता का सहयोग है आपको इस समय पर बहुत अच्छा जो कि आपको मिल रहा है। छुटपुट पारिवारिक ये कह सकते हैं कि परिवार में जो आपके करीबी जन हैं, आपके स्वजन हैं, उनके बीमार होने से, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य उनका खराब होने से आप कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे, थोड़ा सा दुखी भी रहेंगे। कोई नज़दीकी आपका कोई बहुत ही अति मित्र पर यहाँ पर पीड़ित हो सकता है किसी रोग से, वो प्रभावित हो सकता है, तो उस कारण से भी आपको यह चीज़ें जो कि है मानसिक पीड़ा वाली मिल सकती हैं। परंतु परिवार की ओर से अगर देखें तो समय सुंदर अच्छा रहेगा, परिवार का मतलब आपको सुख यहाँ पर प्राप्त होगा और परिवार की ओर से सपोर्ट भी आपको पूरा का पूरा मुझे मिलता दिख रहा है। तो परिवार की ओर से इस तरफ इस महा निश्चिंत तो हो जाए। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, पारिवारिक अच्छा है, इसके बाद चलते हैं व्यवसाय और व्यापार। व्यवसाय और व्यापार भी मजबूती लिए है इस समय पर, हालांकि इसको इस तरीके से मत देखिएगा कि इसी महीने मेरे को रिजल्ट चाहिए, परंतु अगर मैं बात करूं आपके इस महा जो आप कार्य करने वाले हैं बड़े और जो डिसीजंस लेने वाले हैं और उसके लिए जो मेहनत करने वाले हैं, मैं उन दृष्टिकोणों को, उन चीजों को देखते हुए आपको बता रहा हूं कि यह व्यवसाय से संबंधित होकर अगर मैं देखूं तो बहुत ही अच्छा महीना है। आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होने वाले हैं अपने व्यापार और व्यवसाय को लेकर, बहुत जमीन पर खड़े होकर के संतुलित अपने आप को कर करके जमीनी तौर पर आप मेहनत कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आपको बहुत मजबूत मिलेगा। तो इसमें समय लगा है पर यह बहुत अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूं। तो व्यापार के रूप से भी यह बहुत अच्छा है। यहाँ पर जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, हालांकि मैं साझेदारी के कभी भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर साझेदारी से आप बचना, क्योंकि सप्तम भाव जिससे साझेदारी देखी जाती है वहां पर मंगल अपनी नीच राशि में भी विद्यमान है और यहाँ पर कर्म स्थान के जो स्वामी शुक्र है वो भी विद्यमान है, तो कहीं ना कहीं साझेदारी में डालने का प्रयास आपको कर सकते हैं, छोटी या एक लंबी साझेदारी के लिए। तो मैं कहूंगा कि किसी भी तरीके की साझेदारी से यहाँ पर अगर अभी आप बचें, किसी नई साझेदारी से, जो पुरानी चले आ रही है उनको तो आप कंटिन्यू करिए, पर कोई नई साझेदारी इस महीने में ना करिएगा, ठीक है। वैसे भी आपकी 7.5 चल रही है इस समय पर, किसी के ऊपर बहुत हद से ज्यादा भरोसा करके कोई काम शुरू करें तो वो नुकसान ही देता है और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, नए साझेदारी की तरफ ना बढ़े, मेरा आपको कहना यह है। बस जमीनी स्तर पर जो आप मेहनत करते जा रहे हैं अपनी मेहनत में लगे रहिए, आपके व्यापार का विस्तार बहुत धीमी गति से हो रहा है और जल्द ही आपको इसके शुभ परिणाम बहुत ही अच्छे रूप में मिलने वाले हैं, भाग्य आपका साथ देता मुझे नजर आ रहा है, शनिदेव आपके कर्म पर और आपकी मेहनत को देख रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे हम नौकरी की। नौकरी के स्वामी भी आपके शुक्रदेव बनते हैं और कहीं ना कहीं योग कारक हैं, डे टू डे जो आप डिसीजंस ले रहे हैं नौकरी को लेकर के वो अच्छे हैं। यहां पर एक आपका 17 तारीख के बाद से
एक ऐसा योग बन रहा है जिसमें आपको धन की प्राप्ति हो सकती है नौकरी में ही चलते चलते, लेकिन वो लीगल होगा क्योंकि यहां से आपको हो सकता है किसी प्रकार का बोनस या फिर कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है, और या तो आपके रोल को चेंज कर करके आपके लेवल को बढ़ाया जा सकता है जिसके कारण आपकी सैलरी हाइक हो सकती है। ये भी यहां पर मेरे को संकेत मिलते हैं। यहां पर आपको ऐसा भी कोई पैसा मिल सकता है जहां आपने पहले कभी कोई काम किया हो और किसी कारण से वो रुक गया हो, तो यहां पर भी आपको वो चीज मिल सकती है। जो लोग कमीशन से जुड़ी हुई हैं, जिनकी नौकरियां कमीशन से जुड़ी हुई हैं, पास्ट में काम किया था लेकिन कमीशन उससे रिलेटेड नहीं मिला था, तो ये वहां पर 17 तारीख के बाद से मुझे मिलता दिख रहा है। यहाँ लाभ के सुंदर योग बनते मुझे दिख रहे हैं। तो और यहां पर आपका एक नौकरी चेंज करने का भी एक थोड़ा सा टाइम आएगा 17 से लेकर 20 तारीख के बीच में। तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप अपने वर्तमान जो माहौल है, आपका वातावरण, अगर उससे संतुष्ट हैं और केवल अभी 10 या 12 दिन से ही आपको कोई परेशानी आ रही है, क्योंकि इस समय पर मेरे को ऐसा भी लगता है कि उच्चाधिकारी कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाले हैं, आपके ऊपर प्रेशर डालने वाले हैं बहुत सारा, जिससे आप ज्यादा पीड़ित रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 10-15 दिन को ना देखें और पिछले समय को देखें जब आप अनुकूल थे अपनी नौकरी में, एक कंफर्टेबल जोन आपका बना हुआ था। तो ये 10-15 दिन को छोड़ दीजिए और अभी जल्दीबाजी में कोई चीज चेंज करने की ना सोचें, क्योंकि हमें साढ़े साथी का भी ध्यान रखना है। साढ़े साथी लगी हुई है, परिवर्तन आने के चांसेस अगर आपको लगते हैं कि हाँ भैया बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा, तभी डिसीजन लें छोड़ने। तो चलिए नौकरी को छोड़ करके अब हम चलते हैं जीवन साथी की ओर। एक ऐसा महीना जीवन साथी के लिए जहां आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल का गोचर हो रहा है सप्तम भाव से। सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, विवाह का होता है, और यहाँ पर जब मंगल नीच में आते हैं तो मंगली दोष तो बनाते ही हैं जन्म कुंडली में। जब जन्म कुंडली में बनाते हैं, गोचर कुंडली में भी अच्छा प्रभाव नहीं बनाते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने व्यवहार पे ध्यान रखना है, अपनी गतिविधियों पे ध्यान रखना है, आप क्या करते हैं इस महीने में आपको बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल मजाक मस्करी में चीजों को मत लीजिएगा, वरना भारी पड़ सकता है ये महीना। लड़ाई झगड़े के योग, कहासुनी के योग, शक संदेह बढ़ने के योग, या फिर असंतुष्टि असहमति के चलते बात बढ़ने के योग तक बन सकते हैं। झूठ बोलने से बचें अपने जीवन साथी से इस समय पर। अपना ध्यान रखें, अपने जो आपके निर्णय होने वाले हैं, जो डिसीजन होने वाले हैं, बहुत सोच समझ के लीजिए। जिनकी सगाई हो चुकी है और शादी बहुत जल्दी होने वाली है, उनको भी अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अपने स्वभाव पर ध्यान दीजिए, अपनी बातों पर नियंत्रण रखिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, और सोच समझ करके कोई भी बात बोलिए, वरना यहाँ पर कई गलत इफेक्ट्स यहां पर आपके सामने प्रभाव आपको दिख सकते हैं 20 तारीख के टाइम तक। तो यहां पर सावधान करना चाहूंगा जीवन साथी जिनका है, जिनका विवाह हो चुका है या विवाह होने वाला है, ठीक है। इसके पश्चात हम बात करेंगे प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों से संबंधित भाव आपका है पंचम। पंचम भाव में 7 तारीख तक बुध विराजमान है, उसके बाद बुध यहां से निकल के चले जाएंगे, उसके बाद पंचम भाव में रह जाएंगे केवल राहु अकेले। केवल राहु त्रिकोण भाव में विराजमान रहेंगे। जिनके जीवन में प्रेम नहीं है, इस समय प्रेम आपकी तरफ मुझे आता दिख रहा है। संकेत मिल रहे हैं कि प्रेम की दस्तक आपके दरवाजे पर हो चुकी है या फिर होने वाली है कुछ ही दिनों में, जुलाई माह के अंदर। लेकिन मित्रों, सावधानी और सतर्कता भी यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि पंचम भाव में राहु कुछ चीजें अगर अच्छी देते हैं, कुछ चीजें प्रदान करते हैं, तो कहीं पर कुछ बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। ये दोनों पक्ष हैं यहाँ राहु के। जरूरी नहीं है कि राहु अगर पंचम भाव त्रिकोण भाव में आपकी कुंडली के आ रखे हैं तो सब शुभ ही शुभ करेंगे। यहाँ पर अपनी भावनाओं को, अपने कार्यों पर नियंत्रण भी आपको रखना चाहिए, और अगर कहीं किसी के साथ आप डेट पे जा रहे हैं, कहीं पर घूमने जा रहे हैं, तो आपको सर्वप्रथम जिसके साथ आप जा रहे हैं उनकी गतिविधियां पूर्ण रूप से पता होनी चाहिए, उनका बैकग्राउंड अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा ना हो नहीं नहीं इस खुमारी में आप किसी एलिगेशन में फंस जाएं, झूठे आरोप में फंस जाएं, कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लग जाए। तो इसके लिए पूर्ण रूप से सावधान रहें, सतर्कता पूरी निभाएं, सतर्क रहें, क्योंकि आपका ये जीवन बहुत अनमोल है, और कहीं चरित्र पर दाग लग जाए तो वो फिर बहुत आसानी से नहीं जाता। ध्यान रखिए अपना। इसके बाद बात करेंगे हम लोग शिक्षा की। शिक्षा का भाव भी हमारा राहु से संबंधित है, मैं देख रहा हूं। पढ़ाई की तरफ आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है, बाहर की गतिविधियों पर राहु आपका प्रभाव बना रहे हैं, और बाहरी चीजें करने में बच्चों का ध्यान है, जैसे कि कहीं अगर आप शिक्षा की तरफ ले जा रहे हैं तो वो दूसरी गतिविधियों में जा रहे हैं, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है
किताबी जो किताब पुस्तकों के माहौल में रखिए, बाहर घूमने फिरने अभी ना निकलिए, वैसे भी सेफ नहीं है। ये थर्ड वेव आने वाली है अगस्त में, ऐसा बता रही है सरकार और सूचना विभाग से। कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगस्त से कोविड 19 की तीसरी वेव आ जाएगी। बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, उस रूप से भी बाहर जाना कम करें, इस समय पर एकदम से बाहर ना निकलें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अन्य चीज़ों पर ध्यान इस समय पर अपना ज़्यादा ना दें, ठीक है। नहीं तो इसका आपको निकट भविष्य में हर्जाना भरना पड़ेगा और परसेंटेज पे इसका आपका प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी जन्म कुंडली में शनि विराजमान है, वक्री होकर आलस्य प्रमाद की स्थिति बनी रहेगी। अपने आप को दोष देना छोड़ दें, यह महीना वैसे भी आपके लिए लड़कर वापस आने वाला है और आप लड़कर वापस आएंगे और आपको सफलता भी बहुत अच्छी मिलती मुझे दिख रही है, लेकिन अपने आलस्य को दूर करिए, नए परियोजनाओं में बढ़ चढ़कर भाग लें, नई चीज़ों को सीखने में बढ़ चढ़कर भाग लें, जहां पर केवल मेहनत करनी है उस दिशा में आगे बढ़ें, चीज़ों को समझने में सीखने में पूरा समय व्यर्थ मतलब पूरा समय लगाएं और समय को व्यर्थ ना करें, ठीक है। राहु की स्थिति जो आपकी पंचम भाव में बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं अर्धकपारी सर दर्द वगैरह की परेशानी बना सकती है। केतु आंख की स्थिति में आपके बने पड़े हैं, शुक्र भी केतु को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो की है उल्टी आंख है उसमें आप पे प्रभाव हो सकता है, कहीं ना कहीं पीड़ा महसूस कर सकते हैं या फिर कमजोरी महसूस कर सकते हैं आप। दूसरा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो मंगल नीच राशि के शुक्र के साथ आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी आपके कष्ट में बैठे हुए हैं, तो पेट संबंधी समस्याएं आपको इस समय हो सकती हैं। कुछ लोगों को मकर राशि के पथरी से संबंधित समस्या हो सकती है, इस समय वे पथरी रोग से पीड़ित हो सकते हैं या उनको पता चल सकता है कि हाँ हमारे पेट में स्टोन है, तो ये भी घटनाक्रम यहाँ घट सकता है। कुल मिलाकर यह आपका मकर राशि का जो है जुलाई का राशिफल है। अब हम चर्चा करेंगे अंत में ज्योतिषीय उपचार की कि मकर राशि वालों के लिए क्या उपचार कर सकते हैं। देखिए, आपको प्रभावित करने वाले इस समय जो बहुत ज्यादा नकारात्मक प्लैनेट मुझे लगते हैं वो एक राहु है जो कि 7 तारीख के बाद अकेले हो जाने वाले हैं पंचम भाव में, और कहीं ना कहीं बुद्धि में अकेले राहु रह जाएंगे विचारों के स्वामी, तो कहीं ना कहीं गलत गतिविधियों में लिप्त कर सकते हैं, गलत तरफ भी ले जा सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो अपने आप को खाली ना रखें, व्यस्त रखें। अगर कोई काम नहीं है तो कोई पुस्तक अच्छी सी निकाल के पढ़िए जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो, या फिर कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़िए, अपने आप को खाली ना रखें या किसी काम में अपने आप को लिप्त करें। दूसरा, उपचार की अगर मैं बात करूं तो राहु से संबंधित आप यह उपचार कर सकते हैं कि सर्वप्रथम रोज उठ करके इस माह में गंगा जल का सेवन करें और अपने सुबह उठ के स्नान के पश्चात पूजा के समय गंगा जल जरूर आप पिए और 7 प्रकार का अनाज जो होता है उसको आप चिड़ियों को डालें, घर से बाहर घर की छत पे ना डालें, घर के बाहर जाके डालें, ठीक है मित्रों। ऐसा करने से बहुत प्रभाव पड़ेगा। और एक कार्य आप और भी कर सकते हैं कि रोज अपने हाथ से अपने घर का जो आपका मेन डोर है वहां पर अपने हाथ से स्वास्तिक बनाएं रोज एक, और अगर आप काम पे भी जाते हैं तो भी स्वास्तिक बना के जाइए, आपका देखिएगा दिन बहुत अच्छा रहेगा और पूरे दिन आपको ऊर्जा का जो है कि प्रभाव बना रहेगा, बहुत ही मजबूत और सात्विक और सकारात्मक प्रभाव बने रहेंगे। ये भी आप इस समय पे कर सकते हैं राहु के प्रभाव से बचने के लिए। शनि का जो प्रभाव है उससे आप, क्योंकि आपके राशि स्वामी है, शनि वैसे भी आपके लिए पूजनीय है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि शनिवार के दिन शनि मंदिर जरूर जाएं, वहां पर शनि देव के दर्शन करें, छाया दान करें और वृद्ध लोगों की वहां पर आप यथाशक्ति जो भी सेवा कर पाए अन्न से धन से वो जरूर करें, आपको बहुत अच्छे फल इसके मिलेंगे लंबी अवधि के अंदर, दीर्घकालीन उसमें देखें तो हम। और तीसरी चीज केतु की हो गई, अग्नि जो अग्नि तत्व वाली चीजें, गर्म चीजों से इस महीने आप सावधान रहें और तेल का प्रयोग अगर करते हैं आप, गृहिणी हैं स्त्री हैं, तो बहुत ध्यान से करें क्योंकि केतु 12वें है तो कहीं ना कहीं अग्नि से आपको प्रभावित होने के योग भी मेरे को बनते दिखते हैं। तो यहाँ पर इसका भी आप उपचार कर सकते हैं कि केतु के लिए उपचार करें, गली के कुत्तों को आप अपने भोजन की पहली रोटी कुछ मीठा लगा के दें, इससे भी आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर यह आपका जुलाई के महीने का मित्रों राशिफल और उपचार हमने बता दिए, आप इससे अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यहां मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है मित्रों,
वह लोग सब्सक्राइब बटन के साइड में एक और आइकन होता है, उसे कहते हैं बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच पाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा पाए। क्योंकि मैं यह नोटिस कर रहा हूं कि सब्सक्राइबर्स हमारे हैं लेकिन नोटिफिकेशन बेल ऑफ है, इस वजह से नोटिफिकेशन पहुंच नहीं पाते। कई लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, तो आप वो जो आइकन है बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। इसके बाद एक मेरा आग्रह और है, यदि आप चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित किसी भी विषय पर मेरे द्वारा कोई एपिसोड, तो मेरे को लिख भेजिए ईमेल आईडी पर उस एपिसोड से संबंधित जो टाइटल है, किस बारे में आप जानना चाहते हैं, और यह भी लिख भेजिए कि किस जगह पर आपको कुछ डाउट है ज्योतिष के ऊपर। हम उसको क्वेश्चन आंसर राउंड में उस सब्जेक्ट को लेंगे, उस टॉपिक को लेंगे और बिल्कुल चर्चा करेंगे आपको लाइव स्ट्रीम पर लेकर के। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूं, आप सभी का जीवन शुभ व मंगल हो, भाग्य मंथन पर प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए। नमो नारायण।